वो दोबारा लग रहा था भारत माता की जय। महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक फिलंथ्रोपिक कॉल जो उन्होंने दी है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की जो हत्या की है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और ताकत होने का दंभ भरने वाले हम लोग, गांधी जी के विचारधाराओं के सम्मान करने वाले हम लोग, गांधी जी ने जो शब्द दिए थे अनशन और उपवास, जिसके भरोसे देश को आजादी मिली, 60 वर्षों तक जिस खानदान ने गांधी जी का नाम लेकर, गांधीयन फिलॉसफी का नाम लेकर इस देश पर राज किया, आज उन लोगों ने किस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की है, ये शर्मनाक है। ये करोड़ों सवा सौ करोड़ देशवासियों का अपमान है। ये गांधी जी की उस सोच का अपमान है। ये गांधी हमारे भारत की उस महान संस्कृति का अपमान है कि किस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में जो बहस होनी चाहिए थी राष्ट्रहित के मुद्दों पर, राष्ट्रहित के मुद्दों पर चिंतन होना चाहिए था, सरकार तैयार थी किसी भी मुद्दों पर बहस करने के लिए, चाहे वो कावेरी का मुद्दा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का मुद्दा हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर सरकार बहस करने के लिए तैयार थी। मुट्ठी भर लोगों ने, कांग्रेस के उन लोगों ने जो विपक्ष कहलाने का हक भी जिनसे छिन चुका है, 10% संख्या में जो नहीं ला सके अपने आप को, आज उन लोगों ने किस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाया है, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर। देश की जनता उन्हें आईना दिखा चुकी है। आने वाले समय के अंदर देश की जनता लोकतंत्र के हत्यारों को माफ नहीं करेगी। 23 दिन तक अरबों रुपया इस देश की जनता की कमाई का बर्बाद हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर एक कुठाराघात हुआ है, एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। राहुल गांधी जैसे नेता जो स्वयं मजाक का केंद्र बन चुके हैं, जिन्हें उपवास और अनशन शब्द का शायद महत्व नहीं समझ पाता, जिन्हें ये समझ नहीं आता कि जिन महात्मा गांधी ने उपवास और अनशन जैसे शब्दों के माध्यम से देश को आजादी दिलाई, और वही उपवास और अनशन का, हाँ ये बात सही है कि उनका उपवास और अनशन करने का तरीका देश के सामने आ गया है कि छोले भटूरे खाकर जो 2 घंटे अपने आप को उन खाने के व्यंजनों से अपने आप को नहीं रोक सके, वो देश की भूखी जनता का, गरीब जनता का दर्द कैसे समझेंगे, ये बात बताने के लिए आज हम पार्टी के लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ देश की जनता आने वाले समय के अंदर विपक्ष को ये आईना दिखाएगी और उन्हें बाध्य करेगी कि लोकतंत्र की हत्या करने का क्या कीमत कांग्रेस पार्टी चुका रही है, और आने वाले समय में और इससे ज्यादा बुरी स्थिति के अंदर होते हुए चुकाएगी। मैं समझता हूँ कि आज एक फिलंथ्रोपिक काल के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र के संरक्षक कहने वाले महात्मा गांधी के जनों ने आज लोकतंत्र की हत्या की है, देश की जनता उन्हें जवाब देगी।